प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 2 दिवसीय दौरे के दौरान जयराम ठाकुर ने जिला बिलासपुर के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में जहां पर करोड़ों रुपए की सौगातें दी, क्षेत्र की जनता ने वहीं पर दिल खोलकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्वागत किया। वहीं पर उमड़ी भीड़ को देखकर जयराम ठाकुर भी गदगद हो उठे, जिसका जिक्र उन्होंने अपने संबोधन के दौरान भी किया। वहीं पर उन्होंने जमकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से पूरी तरह से बौखला गई है। उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देश में है तब भी विपक्ष और कांग्रेस परेशान, और अगर वह विदेशों में चले जाएं तो भी कांग्रेस व अन्य पार्टी के नेता परेशान हो उठते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशों में लगातार बढ़ रही लोकप्रियता को भी कांग्रेसी पहचान नहीं पा रहे हैं। जब मोदी विदेशों में जाते हैं तो विदेशों की धरती पर भी मोदी मोदी गुणगान किया जाता है, और आने वाले समय में 2019 में भी उन्हें पूर्ण विश्वास है कि देश और प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी को विष बनाएगी और फिर से भाजपा की सरकार केंद्र पर सत्तासीन होगी और देश का विकास इसी तरह चलता रहेगा। शासन आने के और आज हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय मोदी जी देश में होते हैं तो कांग्रेस परेशान, सब लोग परेशान थे कांग्रेस के, विपक्ष के, और वो सोचते हैं कि अगर चाहे कुछ दिनों के लिए विदेश चला जाए, लेकिन जब विदेश जाते हैं तो पूरा विदेश का पूरा मीडिया, पूरा दुनिया का मीडिया उनकी खबर फिर से आप उसमें अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डालता है, टेलीविजन चैनल पे डालता है, तो परेशान होते हैं ये विदेश क्यों गए, इसलिए तो अच्छा यही थे, उनकी परेशानी का कोई समाधान नहीं हो सकता। और समाधान एक बार 2014 के लोकसभा में चुनाव में लोगों ने किया, और दूसरा दौर फिर आ रहा है 2019 के चुनाव में, फिर इस देश की जनता जो है उनकी समस्या का समाधान करेगी।